सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक महामारी हो चुकी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए साथ आने की अपील की। तो क्या रहे प्रधानमंत्री के संबोधन के खास मुद्दे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका और न ही इसका कोई टीका बन पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज अब तक नहीं खोजा गया है और इस पर कोई टीका भी नहीं है, इसलिए इस बीमारी को फैलने से बचाना स्वयं जनता के हाथों में है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए संकल्प और संयम की आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि पूरा विश्व आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में इस महामारी का मुकाबला करने के लिए संकल्प और संयम की बेहद जरूरत है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। वैश्विक महामारी को रोकने के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देशवासियों को हमारा संकल्प दृढ़ रखना होगा कि हम नागरिक होने के नाते इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे एवं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करेंगे। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। वैश्विक महामारी से लड़ने का एक ही मंत्र, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। मानो इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ।
ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। ज्येष्ठ नागरिक घरों से बाहर ना निकले। प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग पर कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में मेरा देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो, अपने घर से ही करें। आगे उन्होंने ये भी आग्रह किया कि हमारे परिवार में जितने भी ज्येष्ठ नागरिक हैं, वे घरों से बाहर ना निकले। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि मैं प्रत्येक देशवासी से आज समर्थन मांग रहा हूँ और वो है जनता कर्फ्यू, यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करने का आह्वान भी उन्होंने किया। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं, ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। 22 मार्च शाम 5 बजे हम सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मार्च की शाम हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए जो इस महामारी के समय में भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए शाम 5 बजे दरवाजे, बालकनी एवं खिड़कियों पर खड़े होकर 5 मिनट तक हम ऐसे व्यक्तियों का आभार व्यक्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर
पांच मिनट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।